नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती, जी हाँ, जिनका कद रुका हुआ है, उनके लिए कुछ टिप्स। महिला हो या पुरुष, अच्छी हाइट दोनों की सुंदरता और व्यक्तित्व में निखार लाती है, क्योंकि लंबाई जींस पर निर्भर करती है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि लंबाई बढ़ा पाना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में लंबाई बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, यानी कि HGH का। HGH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यही हमारे शरीर को संकेत देता है जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। सही प्रोटीन और न्यूट्रिशन न मिलने के कारण शरीर का विकास बंद या कम हो जाता है, और अगर आप शरीर का सही विकास करना चाहते हैं तो अपने खान पान का पूरा ध्यान दें। आजकल बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीना एक फैशन बन गया है, लेकिन यह आपकी सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूध, दही, दालें, ये चीजें खाने से हाइट बढ़ती है, क्योंकि ये चीजें बहुत ही पौष्टिक होती हैं। दूध, दही और अंडों में खूब मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स आदि होता है। इसके अतिरिक्त आप फल, जूस और दालें खाना भी मत भूलना। आइए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे पोषक तत्व जिनका उपयोग कर आप अपनी रुकी हुई हाइट को बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक खनिज है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम हमें दूध, पनीर, दही आदि से मिलता है। ऊंचा लंबा कद पाने के लिए कैल्शियम एक बेहद जरूरी तत्व है। मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि खनिज हड्डी के ऊतकों का निर्माण करता है। ये हड्डी के विकास और शरीर में रक्त के प्रवाह में सुधार करते हैं। अगर आपको अपनी लंबाई बढ़ानी है तो खनिज से भरपूर तत्वों का इस्तेमाल करें। यह हमें पालक, हरी बीन्स यानी कि हरी फलियां, ब्रोकली, गोभी, गाजर, मूंगफली, केले, अंगूर मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें सुबह एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। इसमें आप ताड़ासन करें तो यह सबसे अच्छा है। ताड़ासन करने के लिए आप दोनों हाथ ऊपर करके सीधे खड़े हो जाइए। धीरे धीरे लंबी सांस लें, हाथ ऊपर उठाते रहें और साथ साथ पैर की एड़ियां भी उठाते रहें। पूरी एड़ी उठने के बाद शरीर को पूरी तरह से तान दें और लंबा सांस लें। इससे फेफड़े फैलते हैं और उनके अंदर स्वच्छ वायु भरती है। ताड़ासन करने से स्नायु सक्रिय होकर विस्तृत होते हैं। यही कारण है कि ताड़ासन कद बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, लंबाई बढ़ाने के लिए जिस विटामिन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसमें से विटामिन डी एक है। अच्छी तरह से कैल्शियम को हड्डी में अवशोषित करने के लिए, हड्डी के विकास के लिए आपको विटामिन डी की जरूरत होती है, जो कि हमें मछली, दाल, अंडा, सोया मिल्क और बादाम आदि में मिलता है। प्रोटीन। प्रोटीन रिच फूड न केवल हेल्दी होता है बल्कि आपकी हाइट भी इससे बढ़ती है। यह शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। कुछ आहार जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं वह मछली, दूध, पनीर, मूंगफली, दालें आदि है। कद बढ़ाने के लिए सूखी नागौरी, अश्वगंधा की जड़ों को कूटकर बारीक चूर्ण बना लें। बराबर मात्रा में खांड मिलाकर किसी टाइट ढक्कन वाले कांच की शीशी में इसे बंद कर दें। इसे रात को सोते समय 2 चम्मच गाय के दूध के साथ लें। इससे दुबले पतले व्यक्तियों का शरीर भी बनेगा और साथ ही साथ कम कद वाले लोग लंबे भी हो सकते हैं। इससे नया नाखून भी बनना शुरू होता है। इस चूर्ण का सेवन करने से कमजोर व्यक्ति अपने अंदर स्फूर्ति महसूस करेगा। इस चूर्ण को लगातार 40 दिन तक लेते रहें। कोशिश करें इस चूर्ण को शीतकाल में लें, यानी कि सर्दियों में 1 से 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 1 से 2 ग्राम काले तिल, 3 से 5 खजूर, इनको 5 से 20 ग्राम गाय के घी में 1 महीने तक खाने से लाभ होता है। विटामिन ए। शरीर के अंगों को सही प्रकार से कार्य करने के लिए आपको विटामिन ए से भरा हुआ आहार चाहिए, क्योंकि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ ही लंबाई भी बढ़ती है। पालक, चुकंदर, गाजर, चिकन, दूध, टमाटर आदि में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा आप फलों या सब्जियों का जूस भी पी सकते हैं। बच्चों को अपने हाथ तथा पैरों के बल झूलने तथा दौड़ने जैसी कसरत के अलावा भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम तथा विटामिनों की जरूरत बहुत आवश्यक होती है। पौष्टिक भोजन करने से लंबाई बढ़ने में फायदा मिलता है। तो दोस्तों, आशा है
इन उपायों को आप अपनाकर अपनी हाइट बढ़ा पाएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।